हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार दुबंसी आपके सामने आपका नई क्लास लेकर के एक नई उम्मीद के साथ। जैसे आप लोगों ने पिछले साल पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर किया, उसी तरह से आप लोग अब की बार भी पूर्णांक लाइएगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज आपकी नई बैच शुरू होगी, जो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही विशेष तोहफा है ये। तो दिल्ली से लौटने के बाद हमने लगभग सारी बैच का नया क्लास शुरू कर दिया है। सारी क्लासों के लिए ये सिलेबस देख लो पहले क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बार बार एग्जांपल में आलू और चाकू का एग्जांपल बताया ना, तो बस उसी तरह से जैसे एक चाकू से आप सेब भी काट सकते हो, भिंडी भी काट सकते हो, तरोई, नेनुआ, कोहड़ा, लौकी सब काट सकते हो, उसी तरह से ये जो बेसिक मैथ है ना, डीएलएड का लोगो और टाइटल लगा होगा लेकिन ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। अरे ज़रा सोचो दिमाग बंद करके एक मिनट कि एलसीएम एचसीएफ, बोर्ड मास का रूल, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, परिमेय संख्या, ये सब क्या एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएससी और एसएससी और झारखंड एसएससी में और कोई भी एसएससी परीक्षा उसमें नहीं आता है क्या? आरआरबी में नहीं आता क्या? सब में आता है ना। तो लेकिन ये है तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डीएलएड में। कोई भी सेमेस्टर हो डीएलएड में एकदम एकेडमिक लेवल का पढ़ा जाता है और वो बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए ज़रूर देखना ये क्लास। आप सुबह 4:30 बजे से देख पाएंगे पीबीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर और शाम को 7:30 बजे से इसी क्लास को आप देख पाएंगे पीबीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर। याद रखिएगा पीबीआर स्टडी ग्रुप पर 7:30 बजे से और पीबीआर स्टडी इलाहाबाद पर 4:30 बजे से। जो आपको इच्छा लगे वो करिए। 11:00 बजे से आप इसे देख सकते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर सर्च करें पीबीआर स्टडी और लाइक करके सब उसे फॉलो कर लें पेज को और वहाँ से पढ़ते रहें। पहला हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का परिचय पढ़ेंगे कि गणित की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने किया था, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके बच्चे कितने थे, उनकी शादी कब हुई, बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और उन्होंने शून्य की खोज कब किया, जैसा कि बहुत कुछ सारे खोजी हुई मैथ में ये सब कब हुई, ये सब पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ज़रा ध्यान से देखना, इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में समापवर्त और समापवर्तक बोलते हैं, लासा मासा जिसे बोलते हो देसी भाषा में। अगला हम लोग पढ़ेंगे व्यंजकों में प्राप्त जोड़ घटाना, गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का हल, मतलब कि एक प्रकार से बोर्ड मास का रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सिलेबस देखते जाना, बहुत कुछ है अभी। प्राकृतिक पूर्ण, परिमेय, पूर्णांक आदि संख्याओं की अवधारणा पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याओं पर होगी। ये 4 चैप्टर थे, अगला भी देखना, भागना मत, पूरा सिलेबस देख लेना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे सुबह 4:30 बजे देखो, चाहे दोपहर 11 बजे, चाहे शाम को 7:30 बजे। और एक बार याद रखना, जो क्लास सुबह 4:30 बजे से होगी, अगर आप चैनल पर खोजोगे तो इसे सुबह 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे भी देख पाओगे। ज़रूरी नहीं कि 4:30 बजे देख लो तभी मिलेगी, नहीं भाग जाएगी, जाएगी नहीं कहीं। 6ठा चैप्टर ध्यान से देखना, और अगर क्वालिटी थोड़ा सा धुंधला भी है ना तो चेंज कर लेना, एकदम फुल एचडी क्वालिटी में देखेगा, क्योंकि इधर से क्वालिटी एकदम मस्त है, ठीक ना। तो 6ठा चैप्टर जो आप लोग पढ़ेंगे डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, वो होगा पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं मतलब जानते हो, जैसे कहा जाए कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल 47 है, यदि उनमें से एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगा, ऐसे परिमेय संख्याओं पर सवाल आएंगे। प्रतिलोम मतलब जानते हो, प्रतिलोम विलोम तत्समक वगैरह, अरे भाई उल्टा पुल्टा कर दो बस यही हो गया, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक ना। समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ आप लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर में, जो कि अभी 1-2 दिन पहले हमने आपको इक्वेशन एंड आइडेंटिटी पढ़ा दिया था, है ना। तो ये फिर से चलेगा एकदम स्टार्टिंग से। एक चर राशि का समीकरण भी हम लोग पढ़ेंगे। एक चर राशि का मतलब जानते हो, जैसे यक्स है तो ये क्या है, एक चर राशि है, ठीक ना। अगर यक्स वाई है तो क्या है, ये दो चर राशियाँ हैं, लेकिन अगर यक्स यक्स हो गया तो वो एक ही चर राशि होगी, मतलब चूंकि दोनों तो एक से ही है ना, 3 बार अगर एक्स एक्स हो गया तब भी वो क्या है, चर राशि ही है। और अगर कोई गिनती है तो अचर राशि है, कांस्टेंट है। अगला आप लोग पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमिकाएं। व्यंजकों का गुणनफल मतलब जैसे ए प्लस बी का जो है, ए प्लस बी से गुणा कर दो तो ये क्या है, गुणनफल है। सर्वसमिकाओं में आप लोग इसमें बहुत कुछ पढ़ोगे, जैसे त्रिकोणमिति की भी सर्वसमिकाएं होती हैं, और अगर एक्स प्लस
फाइव का होल स्क्वायर हो, इधर साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 हो, तो ये भी एक प्रकार से क्या होगी, सर्वसमिका होगी। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार सेशन होगा, इसलिए पूरा क्लास देखना और हर दिन देखना, मिस मत करना एक भी क्लास। अभी आपको नंबर दे देंगे, ऊपर दिख रहा होगा, अगर कोई क्लास छूटती तो आप उसे मंगा सकते हो निसंकोच। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल आयतन एवं धारिता की संकल्पना, क्षेत्रफल आयतन एवं धारिता की संकल्पना भी पढ़ेंगे हम लोग। क्षेत्रफल मीन्स एरिया और कैपेसिटी एंड वॉल्यूम वगैरह ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे किसी क्षेत्रफल का जो है, सॉरी, किसी वर्ग का आयतन अगर दिया गया है, किसी वर्ग का अगर क्षेत्रफल दिया गया है, तो उसका और आगे का प्रक्रिया क्या करेंगे, मान लेते हैं ऐसे पूछ लिया, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा बताओ, कैसे बताओगे? एक आयत का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई बताओ, ये सवाल आएंगे आपसे, पूछे जाएंगे। त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं AB इक्वल 5 और AC इक्वल 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, गूंजते रहेंगे आपके दिमाग में, इसको भी पढ़ लेना, इधर साइड में आपके काम का है। तो इसलिए इन सभी क्लासों को देखना, सुबह 4:30 बजे से आपको वीडियो अपलोड करके मिल जाएंगे, और बीच बीच में हम आपको लाइव सेशन में आकर के आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो का मतलब ये होता है कि 10 मिनट में आप 60 मिनट की चीज़ों को पा जाएं, ठीक ना, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए हम आपको वीडियो देते हैं। देखिए साथियों, इन सिलेबस में आप लोग और भी देख लो जो बचे हुए हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बंटन भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा सारणी बनाते हैं बड़ी बड़ी, है ना, और आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन तथा निष्कर्ष निकालना, सर्वांग समता और समरूपता भी हम लोग पढ़ेंगे। देखो, समरूपता का मतलब जैसे कोई भी इंसान एक जैसे होते हैं, दो हाथ होता है, दो पैर होता है, एक नाक होती है, एक मुंह होता है, सिर में काले बाल होते हैं, ये हर किसी के होते हैं, ये क्या होता है, समरूपता होती है। लेकिन सर्वांग समता, सर्व अंग सम मतलब सभी अंग बराबर होने चाहिए, उसे सर्वांग सम बोलते हैं। जैसे अगर आपका हाथ जो है इतना बड़ा है, तो जिससे आप तुलना करें उसका हाथ भी उतना बड़ा हो, आपकी उंगली इतनी बड़ी है उसकी भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, तब सर्वांग सम होता है, ठीक ना। तो सर्वांग सम बहुत कम हो जगह पर कंडीशन संभव होती है, लेकिन समरूप हर कोई होता है। जैसे मार्कर है, ये क्या है, ये मार्कर है, ये भी मार्कर है, क्योंकि क्या है, दोनों समरूप हैं। इसके भी टोपी है, इसमें भी टोपी है, इसमें भी देखो वाइट कलर है, इसमें भी वाइट कलर है, लगभग एक जैसे है ना। कलर मत देखना, मतलब बनावट और साइज देखना। त्रिभुज के संबंध में सर्वांग समता की शर्तें पढ़ेंगे। सर्वांग समता में देखो कई शर्तें होती हैं, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में भुजा भुजा बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा एक कोण बराबर हो गई, तभी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अगर दो कोण एक भुजा बराबर हो गई, तब भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तीनों कोण बराबर हो गए, सर्वांग सम होते हैं। तीनों भुजाएं बराबर हो गई, सर्वांग सम होते हैं। ये सभी कई कंडीशनें होती हैं, वो सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसका लोगो और टाइटल देख के मत घबराना कि DLED का क्लास है, DLED हमें नहीं करना है, बेसिक फंडा होगा इसमें, सभी के लिए होगा, याद रखना। DLED वाले तो थोड़ा आधा दिमाग का ढीले होते हैं, इसलिए उनका टाइटल और थंबनेल लगाया जाता है जिससे वो देखें, बुरा मत मानिएगा, मैं रियल बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो उनका टाइटल और थंबनेल रहेगा DLED वालों का, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के लिए रहेगा, तो इसलिए हर कोई इसको देखेगा। अगर आप इसे पूरा कंप्लीट कोर्स व्हाट्सएप पर चाहते हैं, तो इस पर मैसेज कर देना JOIN ज्वाइन लिख करके, अभी मैं हट रहा हूँ, ज्वाइन DLED लिख करके आपको भेजना है, अपना सेमेस्टर भी लिख देना, और आपको 549 रुपये का पेमेंट करना होगा, फिर आप सारी क्लास व्हाट्सएप पे पाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल एक फूटी कौड़ी मत देना, बस YouTube पर देखते रहना, PVR स्टडी को Facebook पर लाइक करना, वहाँ पर पेज पर, यानी कि Facebook पेज पर भी आप सारी क्लास बिल्कुल मुफ्त में पा सकते हो, लेकिन कुछ क्लासें नहीं होंगी। तो अगर कंप्लीट पढ़ना है, तो इसको अवश्य करना होगा, सिर्फ एक बार आपको करना होगा, पूरा सेमेस्टर के लिए होगा, आपका कंप्लीट मैथ होगा, घर बैठे कहीं से भी देखो, खेत खलिहान आंगन से देखो, किचन से देखो, कहीं से भी देखिए, कभी भी देखिए, सुबह शाम रात 12 बजे देखिए, रात 2 बजे देखिए, एक बार नहीं 1000 बार देखिए, मतलब एक क्लास आप कई बार देख सकते हो। अगर कहीं ऑफलाइन कोचिंग करोगे, सर जी आज पढ़ा दिए, तो उनको कल पकड़ के फिर वही नहीं पढ़वा पाओगे कि फिर वैसे पढ़ाओ, एकदम सेम टू सेम वैसे बोलना, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास में ऐसा कर सकते हो, वही सेम टू सेम फिर से देख सकते हो। तो इसलिए आप लोग इसको अवश्य कर लें, और देखते रहें, नहीं करना तो मत करिए, आपकी खुशी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने हमें 10 मिनट सुना, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो साथियों, एक बार फिर से 1000 बार आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, जय हिंद जय भारत, अगली क्लास के लिए इंतजार रहेगा।
और इन्हीं उम्मीदों के साथ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गाते हुए चलते हैं। थैंक यू।